अपने इस चैनल द ट्रेंडिंग विलेज को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें मुझे टैलेंट वीडियो सबसे पहले। पांच जुलाई सन 2001 का वो दिन जब दोपहर को केरला में किसी जगह आसमान से अचानक बिजली के कड़कने की आवाजें शुरू हो गई और फिर शुरू हुई बारिश। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी और आज तक इस बारिश के रहस्य को नहीं सुलझाया गया। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एच डी और आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग विलेजर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही दो असाधारण घटनाओं के बारे में जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। सोनिक बूम 18 दिसंबर 2012, समय सुबह के 11:25। जोधपुर के लोगों ने एक तेज गति के साउंड को सुना जो सुनने में बहुत ही बड़े विस्फोट की तरह लग रहा था। दूसरे शब्दों में कहें, जब जेट प्लेन आवाज की गति से अधिक रफ्तार से ट्रेवल करते हैं तो लगभग ऐसा साउंड उत्पन्न होता है, पर यह आवाज बड़ी ही अजीब तरह की थी। उस आवाज ने जोधपुर के स्थानीय लोगों को डरा दिया था और लोग माइंस कैलेंडर की भविष्यवाणियों को याद करने लगे जिनके मुताबिक 31 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत हो जाएगा। कुछ लोग यह मान रहे थे कि इंडियन मिलिट्री अपने नए एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर रही होगी, लेकिन इस बात पर आर्मी अफसर्स ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उस दिन किसी भी प्लेन या सोनिक बूम की टेस्टिंग नहीं की गई, क्योंकि सोनिक बूम की टेस्टिंग शहरी या ग्रामीण इलाकों में नहीं की जाती। इसका साउंड इतना तेज होता है कि अगर इसे ज्यादा देर तक चलाया जाए तो घर की खिड़कियां और दरवाजों के शीशे टूट सकते हैं। इस घटना के बाद विश्व के कई और देशों में इस तरह की आवाज को सुना गया। कुछ विचारक मानते हैं कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं। इस घटना के बाद राजस्थान के कई इलाकों में एलियन साइटिंग को भी रिपोर्ट किया गया। यह घटना आज तक एक रहस्य बनी हुई है और यह घटना सोनिक बूम की घटना से कैसे मिलान खाती है इसका किसी को नहीं पता। रेन ऑफ ब्लड 5 जुलाई सन 2001, केरला में किसी जगह पर अचानक से बारिश शुरू हो गई और इस बारिश की बूंदों का कलर लाल था, जिसे वहां के स्थानीय लोगों ने इसे खून की बारिश बताया। पहले तो साइंटिस्ट इस घटना को कोई खास घटना नहीं मान रहे थे, उनके मुताबिक यह सिर्फ धूल के कण थे जो प्रदूषण के चलते इस बारिश में मिल गए होंगे। लेकिन जब उन बारिश की बूंदों को लैब में ले जाकर चेक किया गया तो एक होश उड़ाने वाली बात सामने आई। यह कोई धूल के कण नहीं थे, यह पार्टिकल जिंदा थे। जी हाँ, इनमें जीवन था। वैज्ञानिकों को यह पार्टिकल आरसीबी जैसे लग रहे थे, जिससे इंसानी खून बनता है, लेकिन जब उनके डीएनए की जांच की गई तो उसमें किसी प्रकार का कोई डीएनए नहीं मिला, लेकिन वह पार्टिकल जिंदा सेल की तरह लग रहे थे। 10 साल तक यह रिसर्च चलती रही। इसी बीच सन 2012 में जब वैज्ञानिकों द्वारा इन बूंदों की जाँच एडवांस्ड डिवाइसेस से की गई, उन्हें इसमें डीएनए होने के प्रमाण मिले, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। बहुत सारी पब्लिक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि यह एक एलियन इन्वेंशन है और हो सकता है कि एलियन लाइफ को धरती पर भेज रहे हों। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर केरला में ही ऐसी घटना क्यों हुई, जबकि पूरी दुनिया में किसी भी स्थान पर ऐसी घटना को नोट नहीं किया गया जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो यह था छोटा सा वीडियो उन असाधारण दो घटनाओं के बारे में जिनके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।